अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सब लोग का आगाज करते हैं और मैं बता दूँ कि मैं आया हुआ हूँ शहर जिला सांगन, जो हमारा जिला है। तो भाई कज़न के साथ आया था, उसका यानी थोड़ा बहुत काम वगैरह आता था, मैं उसके साथ देसी आ गया। तो हम आए हैं सुबह के 10 बजे के और अभी बज रहे हैं 3:30। तो सारा दिन गुजर गया और उसको तनख्वाह नहीं मिली बाजी। तो बैंकों में ATM जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, तो अभी उसने चेक किया नहीं लिखा और नेशनल बैंक से यानी उसकी तनख्वाह आनी थी, वो खोज में है और वो अभी तनख्वाह उठा रहा है। मैं बाहर कब से बैठ बैठ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और थक गया हूँ एक तरह से बैठ बैठ कर। तो उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, और जब उसको तनख्वाह मिल जाएगी तो यहाँ पर हमें सामान लेना है। और हमारा सामान जो पानी में डूबा हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब यानी साफ हो गए। ये देख सकते हैं लोग यानी आ रहे हैं जा रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था, ये पानी पानी था यहाँ पर, और यहाँ से अभी पानी निकाल लिया है और अमन अमान हो गया है यहाँ पर। तो सूख गया है यानी इसके ग्राफ में बाहर पानी है, शहर के अंदर जो है अमन है, रोड जो है वो साफ है। और पहले तो लोग नहीं आते थे, यानी आना जाना बंद था, अब यानी आना जाना हो गया है। और हमारे गाँव से मेन रास्ता है वो बंद है, लेकिन हम कच्चे जो रास्ते हैं उनसे घूम फिर के आ जाते हैं। तो मेन हमारा पक्का रोड है वो बंद है। शहर में थोड़ा ब्लॉक बनाना हो जाता है बड़ा मुश्किल। एक वजह तो है लोग यानी ऐसे पूछते हैं कि पहली दफ़ा देख रहे हैं मुझे, और दूसरा मसला यहाँ पर इतना शोर है और मैं बहुत ऊँची आवाज़ में बोल रहा हूँ, तो आवाज़ का जो मसला होता है ये भी बहुत यानी तंग करता है, परेशान करता है। कोई यानी हॉर्न बजा देता है या बहुत शोर होता है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो मसला बहुत होता है। गांव में ये हिसाब नहीं होता, गांव में यानी ब्लॉक बनाना बड़ा ही आसान होता है, वहाँ पर शोर वगैरह नहीं होता। तो ये जो है ये बड़ा यार मसला है। अगर आपके पास मैक है तो आप यहाँ पर वीडियोस बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। तो उसका यानी क्या आपके पास मैक होगा तो ब्लॉग जो है वो अच्छा बनेगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो अभी मेरे पास मैक वगैरह नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ऊँची आवाज़ में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल कम सुनाई दे रही है और ये जो पीछे की गाड़ियों की आवाज़ है ये ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो ये देख सकते हैं ये अभी गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, जैसे ही मोबाइल का मैक मेरी साइड पर हो जाता है फिर तो सही आवाज़ आती है, लेकिन जब मैं कैमरा अपनी तरफ रहता हूँ डिटेक्ट हो जाता है फिर भी आवाज़ कटती है और मुझे बहुत ही ऊँचा बोलना पड़ता है। बैठा हुआ था और आपको अभी मैं यानी बैंक दिखाता हूँ जिसमें कदम गए हुए हैं और कब से गए हुए हैं अभी तक आए नहीं, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें नेशनल बैंक, इसके अंदर गए हुए हैं कदम। तो वो जैसे ही निकलते हैं तो हम भी जाएंगे अपना काम करेंगे और फिर वापस जाएंगे गांव। आज डेट जो है वो है 1 सितंबर की 1 तारीख, और आप लोगों को पता है कि 1 सितंबर यानी हर महीने की 1 तारीख को बैंकों में कितना रश होता है, और नई बैंकों का चीज़ के साथ आ गया तो 1 तारीख को बहुत रश होता है, जिस वजह से यानी बहुत लेट हो जाता है तनख्वाह वगैरह निकालने में। और अभी तो सैलाब वगैरह का जो सीज़न है इसमें तो बैंक यानी उनका जो नेटवर्क है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, इस वजह से हम सुबह के 10 बजे के आए हुए हैं और 3:30 हो गए अभी। मैं वेट कर रहा हूँ बाहर इसका, और वो अंदर गया हुआ है कब का यानी अभी तक उसका जो चेक है पास नहीं हो सका, और मैं इधर बाहर इसका वेट कर करके थक गया हूँ। जैसे वो आता है उसने सामान वगैरह भी लेना है, तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से 3 रोड जाते हैं। एक ये जो है सामने ये जाता है वर्कशॉप जगड़ो, और एक ये वाला रोड है ये जाता है मीरपुर ख़ास, और ये वाला जो रोड है ये जाता है नवाबशाह को, और जहाँ से यानी कराची और हैदराबाद की जो बसेस वगैरह जाती हैं वहाँ से जाती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने वाला रोड जो है ये जा रहा है नवाबशाह, और ये कैंप लगा हुआ है जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद के लिए, और ये वाला जो है ये जाता है कराची हैदराबाद, और वो आगे से यानी बसेस वगैरह जाती हैं। वो सामने वैन खड़ी है, यानी ये जो है ये वैन है यानी जो पीछे खड़ी होती है ये जाती हैं हैदराबाद को, और वो जो आगे वैन खड़ी है वो जाती हैं कराची। यानी ये जो रोड है ये हैदराबाद रोड के नाम से इसको कहते हैं, ये सांगर का यानी यहाँ से हैदराबाद और कराची के लिए बस वगैरह जाती है। ये बंदा क्या हुआ था कब से अंदर और अब बाहर आया, लेकिन इसका काम नहीं हुआ, ये तो अंदर जाके इसका चांद बन गया था और हम बाहर इसका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा चल इसका काम हो जाए, 4:30 होने को हैं इसका काम नहीं हुआ, और बंदा जो है गुस्से में है। चलते हैं अभी हम काम
आस्ता आस्ता निकलते हैं फिर। अब फिर से यानी ये जो है ना ATM वगैरह चेक करा, शायद लग जाए क्योंकि आज सुबह गए हुए थे सारे काम यानी रोक के। तो वो गया है बंदा हमारा, वो जा रहा है वो रक्षी के पास, तो अल्लाह करे लग जाए यार ATM और इसका काम हो जाए। बेचारा बड़ा परेशान है। सांगड़ का जो सेवल अस्पताल है वो दिखाऊंगा, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है सांगड़ का, ये जो सेवल अस्पताल है वो सामने, इसमें पानी भी खड़ा है सेल यानी बरसातों का, जो बरसातें हुई थी तो अभी तक सूखा नहीं है यहाँ सा यानी सेवल के अंदर पानी, लेकिन बाहर जो शहर में पानी वगैरह सूख गया है। तो ये थोड़ा यानी शहर जो है वो ऊँचा है, जो अस्पताल है ये थोड़ा यानी नीचे की साइड पर बना हुआ है और इस यानी पानी जो है सारा वहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन अस्पताल जो है वो अभी तक भी खुला हुआ है। हमारा सामने का सेवल अस्पताल और ये जब जहाँ हम खड़े हैं ये है नवाबशाह रोड, और इसी रोड से हम आगे जाएंगे, फिर वहाँ से हम यानी जो दो तीन गांव हैं उनसे यानी घूम फिर के वापस जो है अपने गांव से। पहले जो हमारा बंदा गया हुआ था HPL में, लेकिन HPL में उसका काम नहीं हुआ, अब वो गया मेजान बैंक। अभी ATM के अंदर ये वाला रोड पकड़ेंगे और सीधा हम जाएँगे गाँव। अभी हम निकल रहे हैं, रास्ते में आपको बताएंगे कितना पानी है, कहाँ तो गैस। ये देखे ये पेट्रोल पंप जो बन रहा था ये सारा जो है पानी में डूब चुका है, और इसके साथ एक होटल था वो भी बन रहा था, लेकिन इसके चारों तरफ से पानी, और ये पंप जो लगे हुए हैं तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रुतियाणी तक, ये इतना पानी यानी ये और भी पीछे से आ रहा है, ये पीछे 7 चक हो गया, 5 चक हो गया, ये सारा तबाह करके ये अभी सांगण की तरफ बढ़ रहा है। तो कितना सारा पानी ये आप देख सकते हैं, बंद इतने ऊपर लगाए हैं, ये बड़ा मजबूती से काम किया है, लेकिन ये पानी जैसे ज़्यादा हो रहा है तो ये बंद टूट जाते हैं। गाइस यहाँ पर ये स्कूल और घर जो हैं ये पूरी तरह से डूब चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भाई हमारा कैमरा मैन दिखा रहे हैं। ये देखें ये घर और ये स्कूल वगैरह जो है आधे से ज़्यादा ये डूब चुके हैं भाई, ये पानी देखें। अगर ये पानी जो है अगर इसका रुख सांगण की तरफ हो गया शहर की तरफ, तो सांगण जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये पीछे से यानी आ रहा है और भी ज़्यादा पानी हो के, तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे भाई। ये भाई कह रहा है हुकूमत से अपील करें। तो ये आगे रोड देखें, यहाँ पर रात को जो है शिकाव पड़ गया, ये देखें यहाँ पर ताज़ा बंद जो है लगाया है, ये देखें ये किनारा चेक करें, ये देखें ये कल रात जो है यानी ये बंद जो है टूट गया था, इसकी वजह से ये जो रोड की तबाही है ये चेक करें। तो ये पानी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पानी है, अल्लाह खैर करें ये पानी टूटने वाला तो है नहीं। तो गाइस ये जो बंद है वो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कमरे के साथ, तो 7 किलोमीटर यानी सारा ये इलाका पानी पानी है, और यहाँ तक यानी ये जो है लास्ट बंद लगाया हुआ है, ये देखें कैंप वगैरह भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी सारा पानी है ये देखें। तो यहाँ से आगे जो है यानी मामूलाती ज़िंदगी वो सही है, ये पानी यानी ज़मीनें वगैरह जो हैं इनमें यानी इतना पानी नहीं है। और अभी हम जो है थोड़ा अस्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत दूर तक जाना है और हमारी जो टाइटेनिक है वो यानी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो लोग स्पीड में जाती है, कार का मुकाबला करती है, यहाँ पर करते हैं एंड इस लोग का। तो हमें दीजिए इजाज़त, नए लोग मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।